हाय फ्रेंड, आज आइए हमारे पास होंडा की क्रेटा 2019 मॉडल। इसमें आज फुल सर्विस करके दिखाएंगे हम इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, कैबिन फिल्टर, कोलेंट, ब्रेक ऑयल पूरा चेक करके दिखाएंगे आपको। इसमें आपको दिखाएंगे कि फुल सर्विस होंडा क्रेटा 2019 मॉडल की पूरा चेकअप करके देंगे। इस आज इस वीडियो में बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना, आखिरी तक देखना इस वीडियो को, पूरा समझ आ जाएगा फुल सर्विस होंडा क्रेटा की। हमारी कार मोस्टली 10,000 किलोमीटर चलने के बाद या 1 साल चलने के बाद इसका इंजन ऑयल चेंज करना पड़ता है। गाड़ी से बाहर चल के दिखाएंगे हमको इंजन को, इंजन ऑयल आज दिखाएंगे आपको इंजन ऑयल। सबसे पहले इसका इंजन शील्ड उठाएंगे हम, उठाने के बाद चेक करेंगे इंजन ऑयल लेवल, इंजन ऑयल लेवल, इंजन ऑयल लेवल चेक करेंगे हम। इंजन ऑयल लेवल तो पहले तो इसमें कम है, लेवल तो फुल से नीचे है और इसको कार्बन लेवल भी हो चुकी है। इंजन ऑयल तो हम चेंज कर देंगे इसमें, और इसमें कूलेंट भी लेवल लो लग रही है मुझे, कूलेंट भी लो है इसमें, और ब्रेक ऑयल ओके है, अभी लेवल भी ओके है इसमें, रेडी। अब इसका दिखाएंगे हम एयर फिल्टर कंडीशन क्या है। एयर फिल्टर तो पूरा ख़त्म है, और दिखाएंगे आपकी बैटरी वाटर और कैबिन फिल्टर। पहले हम कैबिन फिल्टर चेक करेंगे इसमें क्या है। इसको स्लाइड करके इन दो को बाहर ऐसे खींचना है इसको आराम से, नहीं इसको रहेगा इसे ऐसे ही क्योंकि नया मॉडल है, इसमें ऐसे ही रहता है। इसको पकड़ के रखना है, पकड़ने के बाद इसको हम अंदर स्लाइड करके ढक्कन निकालेंगे। यहाँ से ये लगा रहता है इधर, इन दोनों को प्रोगो को इन दो प्रोगो को स्लाइड करके यहाँ से एक और यहाँ से दूसरा निकाल के इसको रखेंगे यहाँ पर नीचे, और हमारा कैबिन फिल्टर आ चुका है बाहर। ये पूरा ख़त्म है कैबिन फिल्टर, इसको भी चेंज करेंगे हम। अभी हाँ, हम गाड़ी के नीचे, गाड़ी के नीचे हम चैमर से यहाँ से इंजन ऑयल निकालेंगे। 17 नंबर बोल्ट खोल के इंजन ऑयल बाहर निकालेंगे। इसमें लगता है 17 नंबर का ये बना, इसको निकाल के दिखाएंगे आपको, ले लेंगे। इसका इंजन ऑयल यहाँ से बाहर निकलता है, 1.6 क्रेटा डीजल। और ये इंजन ऑयल रेडी, अभी खोलेंगे 27 से हम खोलेंगे उसका ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर खोल के इसको, ऑयल फिल्टर ऐसे खोल के निकालेंगे बाहर इसमें। ये रहा इसका ऑयल फिल्टर, इसको निकाल के स्लाइड से आ गया हमारा इंजन ऑयल। इसके लिए हार्ड ऑयल 30 फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल, डीजल इंजन एंड गैसोलीन इंजन, हार्ड ऑयल 30। ये एक्चुअली 3.5 लीटर इसमें जाता है, 5 लीटर हम निकाल के इसमें से, ये भी 3.5 लीटर है, और इसमें से निकाल के 1.5 लीटर इसमें डाल देंगे, ये हो गया 5 लीटर, इसको डालते हैं। और ये हमारा कूलेंट, कैबिन फिल्टर हमने ऑलरेडी लगाया क्योंकि कैबिन फिल्टर नहीं मिला OEM इसका। और ये रहा इसका ऑयल फिल्टर हुंडई का, ये रहा इसका एयर फिल्टर। अभी हम इस आपको लगा के दिखाएंगे पूरा रेडी। अभी हम ऑयल फिल्टर चेंज करके दिखाएंगे आपको, पहले इसको इससे बाहर निकाल के, ये रहा इसका ऑयल फिल्टर, ये रहती है इसमें सर रिंग, तीन पार्ट आते हैं इसके। पहले आती है रिंग, ये ऑयल फिल्टर में लगती है इस, अभी इसमें तीन पार्ट निकले, अभी हम फिक्स करके दिखाएंगे आपको। पहले लगती है इसमें ये इसकी रिंग लगती है ऑयल फिल्टर की, ऑयल फिल्टर कैप में, जिससे कि लीकेज ना हो, वो प्रॉपरली इसमें लगा के दिखाएंगे आपको। ऊपर से एक रिंग ये लगती है इसमें, इसको आराम से बिठाना पड़ेगा, प्रॉपरली हो गया। प्रॉपर होने के बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे हम, इसमें से भी ऑयल लगाएंगे हम, जैसे कि लुब्रिकेट हो, ये काटना हो जाए, काट होने की वजह से इसमें लीकेज शुरू हो जाएगी। ये रहा इसका फिल्टर, नीचे से हमने पूरा साफ करके रखा है, नीचे से लगा के, अब नीचे से हमने साफ करके रखा, अब लगा के दिखाएंगे आपको। ज़रूरी इनमें कंपलसरी रहता है इसमें से थोड़ा ऑयल लगाना पड़ता है, जिससे कि रिंग काटे ना, इसको लगा के दिखाएंगे आपको। आराम से इसको बिठाएंगे, बैठ गए आराम से, अभी हम आपको फिक्स करके दिखाएंगे आपको। आप
रेडी। अभी ये फिक्स हो गया, अभी इसको 3.5 न्यूटन मीटर से टाइट होता है। रेडी। अभी हम ये चैम्बर प्लग में रहती है वॉशर, इसको भी चेंज करना है। रेडी। अभी हम इसको चैम्बर प्लग को ये वॉशर लगा के दिखाएंगे आपको, बाद में जब लगाएंगे चैम्बर उस वक्त दिखाएंगे, पहले हम एयर फिल्टर दिखाएंगे आपको फिक्स कैसे करना है। रेडी। पहले हम लगाएंगे आपको एयर फिल्टर, यहाँ से इसको फिक्स करना है। इसमें लगते हैं 3 बोल्ट 10 mm के, बोल्ट को लगा के दिखाएंगे आपको। रेडी। अभी हम फिक्स करके दिखाएंगे आपको पूरा, 3 बोल्ट लगते हैं इसमें 10 mm के। 3 बोल्ट टाइट करने के बाद आपको टाइट करके दिखाएंगे इनको। पूरा रेडी। ये इसका ओल्ड एयर फिल्टर है, इसको छोड़ गए, ये रहा इसका नया एयर फिल्टर। लाइट दिखाएंगे आपके, अब ऊपर वाली असेंबली इसमें लग जाएगी। इसको फिक्स करके 2 लॉक रहते हैं यहाँ पर, इसको 2 लॉक यहाँ पर, एक क्लिप 2 रहते हैं इसमें। लाने के बाद फिक्स इसमें लगता है, फिर ये पाइप लग जाएगी, 10 mm टी से टाइट हो जाएगी यहाँ से। फिर मैं इसमें कपलर लग जाएगा, कपलर लगाने के बाद हम बैटरी को चेक करेंगे, बैटरी गिरटरी है क्या इसमें, पूरा है या नहीं। खोल के दिखाएंगे आपको, ग्रेविटी अभी ओके है इसमें। अभी हम चैम्बर प्लग लगा के दिखाएंगे आपको, अभी इसको टाइट करेंगे हम कैसे, तो अभी पूरा टाइट हो गया। अब ऊपर से इंजन ऑयल डाल के दिखाएंगे आपको। अभी इसमें कूलेंट की लेवल लो पे आ रही है, अभी हम इसको फुल में लाएंगे, कूलेंट खोल के इसमें डालेंगे हम, कूलेंट अभी डालेंगे इसमें, टॉप अप करेंगे, अभी सील तोड़ेंगे। अभी सील तोड़ के इसका टॉप अप करेंगे हम। हो गया इसमें, अब इसमें फुल लेवल आ रही है। अभी कैप लगा के दिखाएंगे आपको, नहीं उल्टा लग गई सॉरी, अब ओके लग गई। ब्रेक फ्लूड इसमें ओके है, अभी ब्रेक फ्लूड बिल्कुल ओके है, इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी ओके हो गया। अभी हम इसको 5 लीटर इंजन ऑयल डाल देंगे। ओके, पहले हम 3.5 लीटर इसमें फिट करेंगे। 5W30 है इंजन ऑयल, फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल। ये कैन का आप दूसरा डाल देंगे इसमें, दूसरे से 1.5 लीटर निकाल के इसमें डाल देंगे। अभी इसे इस कैन से 1.5 लीटर निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही पैक नहीं था 5 लीटर का। अभी 1.5 लीटर निकाल के इसका गेज दिखाएंगे आपको। अभी हमने इसमें 1.5 लीटर निकाल के इसमें डाल दिया, अब गेज चेक करेंगे ये गेज कितना पहुंचा इसमें। गेज निकाल के दिखाएंगे, गेज अभी फुल पे आ रहा है, फुल पे आ रहा है, दूसरी देखिए गेज अभी फुल पे आ रहा है। ओके होगी इसकी इंजन ऑयल लेवल। अब इसके कैप लग गई इसमें, अभी हम कैबिन फिल्टर लगाएंगे, बाद में इंजन स्टार्ट करके दिखाएंगे आपको। अभी कैबिन फिल्टर लगाएंगे इसमें, कैबिन फिल्टर अभी न्यू नहीं मिला, ओल्ड ही लगाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंडीशन ठीक थी। अभी लगा के ये एरो देखना पड़ेगा, आपकी साइड रखना पड़ेगा इसको, यूपी साइड अंदर। ये रहा इसकी लोकेशन, यहाँ पर इसको फिट करना है, फिट न करें ICL डाल के इसको लेना है। ऊपर से ये कैप भी लगानी है इसमें, कैप ऐसे लगेगी इसमें, कैप ऐसे लगा के लेनी है इसमें। फिर आराम से इसका ग्लो बॉक्स बंद करेंगे हम, ग्लो बॉक्स बंद करने के बाद इसमें लगाएंगे हम। ओके हो गया, यहाँ से शील्ड को बंद करेंगे, शील्ड को ये होल 3 लगते हैं इसमें,
होल में लगा के इसको ले लेंगे। हो गए बाहर से, अभी इंजन स्टार्ट करके दिखाएंगे आपको। अभी हम गाड़ी स्टार्ट करके ले लेंगे, इसमें आपको दिखाएंगे कि इंजन ऑयल 10,000 किलोमीटर वो सर्विस भी एक्टिव करेंगे इसमें। अभी हम बाहर चल के पहले दिखाएंगे इंजन स्टार्ट आपको। हमारी गाड़ी बिल्कुल ओके है, अभी हम इसमें ऐड करेंगे सर्विस, जो अंदर लाइट आ रही है वो भी फिक्स करके दिखाएंगे आपको। अभी हम इसमें सर्विस सेट करेंगे कि 10,000 किलोमीटर बाद ये लाइट दिखाएगी अंदर मीटर में। पहले हम जाएंगे